AppSumo Black Friday डील्स का यहाँ पर ड्रॉप 3 आ चुका है। ड्रॉप 3 क्या है, ये लोग इस बार सेल को ड्रॉप्स में रिलीज कर रहे हैं। पहले यहाँ पर ड्रॉप 1 आया नवंबर 18th को, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब नवंबर 20th को ड्रॉप 2 आ चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर ड्रॉप 3 आया है आज के दिन, और ड्रॉप 4 आएगा नवंबर 24th को। आज मैं यहाँ पे ड्रॉप 3 पे मेरे जो फेवरेट टूल्स आए हैं, सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट टूल्स अभी आए हैं, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 4 टूल्स बताऊंगा आज, क्या उसके फ़ायदे हैं, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। और इसके बाद AppSumo की जितनी भी डील्स आएगी वो आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगी। इस ब्लॉग का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ पर जो भी अभी डील्स आएगी, डील ऑफ द डे आएगी, उसको बुकमार्क कर लेना, रोज जाके यू कैन चेक इट आउट। तो जो भी यहाँ पे अपडेट्स रहेगी वो रेगुलरली इस ब्लॉग पोस्ट पर अपडेट होती रहेगी। तो जो सबसे पहली डील है और जो मेरी फेवरेट है वो है ElementsKit। ये आज से लगभग 3-4 साल पहले ओरिजिनली AppSumo पर आया था, उसके बाद ये वापस नहीं आया है। ये क्या है, ये एक एलिमेंटोर का प्लगइन है, वर्डप्रेस के लिए है, जो लोग एलिमेंटोर यूज़ करते हैं उसके लिए प्लगइन है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स दे देते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, विजेट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। जो इसमें सबसे अच्छा है वो है इनका मेगा मेन्यू, जिसके लिए काफ़ी फेमस है। इस तरह का यू कैन हैव अ मेगा मेन्यू, डिफरेंट आप लोग यहाँ पे मेगा मेन्यूज़ वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, अलग अलग यू कैन क्रिएट इजीली। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, साइड बार है, स्टिकी साइड बार है, कॉन्टेंट टिकर्स है, कुछ इस तरीके से यू कैन हैव अ कॉन्टेंट टिकर, काउंटडाउन से कूपन कोड है, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको कंपैरिजन टेबल, बहुत सारे फीचर्स आपको इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है। ये मेरी वेबसाइट है केपी टेस्ट होस्टिंग, इसको मैंने होस्टिंगर पे सेटअप करके रखा है। नाउ वी विल ओपन अ पेज इन एलिमेंटोर। एलिमेंटोर जैसे ही खोलोगे आपको ये वाला एक आइकन दिख जाएगा, दिस इज़ फॉर ElementKits। ये इनकी टेम्पलेट है, आपको इनके प्रीमियम वर्जन में टेम्पलेट्स भी मिल जाती है। मीन्स प्री डिफाइंड पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं, यू कैन जस्ट ईजिली इंसर्ट इट, जो भी आपको यहाँ पे पसंद आ रही है, पेजेस पसंद आ रहे हैं, सेक्शन पसंद आ रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, सेक्शंस हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिल जाते हैं कि ठीक है यार, मुझे अगर ये वाला ऑप्शन चाहिए तो आई कैन जस्ट क्लिक इट इंसर्ट और ये ऑटोमेटिकली मेरे पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर आ चुका है। और अगर आपको कुछ और यहाँ पे चाहिए एलिमेंट्स, तो वी विल गो डाउन हियर एंड हियर आर द एलिमेंट्स, जो भी आपको ElementKits के दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसमें एक और फीचर है कि मुझे सिर्फ जो काम के एलिमेंट्स चाहिए मैं सिर्फ उसी को टॉगल ऑन ऑफ कर सकता हूँ, तो मेरे में फालतू लोड नहीं आएगा। जो जो मुझे यहाँ पे विजिट्स चाहिए सिर्फ उन्हीं को ही आपको ऑन करना है। अगर मैं यहाँ पे सबको ऑन करके रख दूंगा तो मेरा जो पेज स्पीड स्कोर है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। अगर मुझे कूपन कोड चाहिए तो आई विल टर्न दिस ऑन। ये यहाँ पर कूपन कोड आ चुका है, आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक। और जो मुझे इसकी एक और बात अच्छी लगी है वो ये है कि काफ़ी फिनिश प्रोडक्ट है। जो भी यहाँ पर आपको ये लोग फीचर्स दे रहे हैं उसको अच्छे से बताया है, उसके वीडियो फॉर्मेट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, सारे लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फ्लिप बॉक्स चाहिए, जो भी जैसे मुझे फ्लिप बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, उसका डेमो मिल जाएगा और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके भी यहाँ पर आपको स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉपर हर विजिट के लिए यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर गाइडिंग है, सपोर्ट भी इनका अच्छा है। तो ओवरऑल एक काफ़ी फिनिश प्रोडक्ट है ये। जिस प्राइस पॉइंट पे अभी ये आ रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ $59, जिसमें आप लोग इसको 5 साइट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो, और साइट्स ये तो यू कैन इंक्रीज योर कोड्स। मेरे हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है, जो लाइफ टाइम डील अभी आपको मिल रही है इस पर, इट इज़ एब्सोल्यूटली द बेस्ट फॉर ऑल द ब्लॉगर्स। इफ़ यू आर अ ब्लॉगर, इफ़ यू आर यूजिंग ElementOr, स्पेशली द फ्री वर्जन, इसको अगर आप लोग यूज़ कर लोगे आपको शायद से प्रो वर्जन की रिक्वायरमेंट लगेगी भी नहीं। इनका जो फ्री वर्जन है उस पर ऑलरेडी यहाँ पर 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है एंड अपने आप में ये प्रोडक्ट का प्रूफ है कि इट्स अ गुड प्रोडक्ट जिसपे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइफ टाइम डील मेरे हिसाब से मिस मत करना अगर ElementOr यूज़ करते हो तो। ऑन नंबर 2 वी हैव Vistacreate। ये एक कैनवा जैसा टूल है, जैसे कैनवा है वैसे ही Vistacreate है फॉर ऑनलाइन डिजाइनिंग। फ़र्क ये है कि क्योंकि यहाँ पर आपको प्रो वर्जन मिल रहा है Vistacreate के, Vistacreate का, तो यहाँ पर जितने भी इनके प्रो टेम्पलेट्स है यू कैन यूज़ दिस। और जो इनका फोटोज़ कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। ऑब्जेक्ट कलेक्शन जहाँ पर आपको एलिमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, एनिमेटेड इमेजेस वगैरह मिल जाएगी, ये सारा कलेक्शन आपके लिए यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। ये जो कैनवा की टेम्पलेट्स है ना वो देखो काफ़ी कॉमन हो गई है, पिंटरेस्ट पे जाके देख लो, ब्लॉग्स पे जाके देख लो, एवरीवन इज़ यूजिंग कैनवा। तो इफ़ यू कैन यूज़ अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर विथ डिफरेंट सेट ऑफ टेम्पलेट्स, तो वो आपको थोड़ा एक क्रिएटिव या एक थोड़ा सा यूनिक बना सकता है इन मार्केट, इन माय ओपिनियन। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो वो है $79 की, जिसमें आपको सारे प्रीमियम डिज़ाइन टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे सिर्फ इसी एक प्लान के अंदर।
तो अगर आप लोग कैनवा का प्रो वर्जन ढूंढ रहे हो ऑन अ लाइफ टाइम डील, विस्टा क्रिएट इज समथिंग यू कैन लुक एट। और ये पहले क्रेलो के नाम से होता था, मैं इसको क्रेलो के टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रिव्यू भी किया था क्रेलो रिव्यू, अगर आप लोग देखोगे आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, तो तब से यूज़ कर रहे हैं। फिर देन इसको विस्टा ने एक्वायर कर दिया, अब ये विस्टा क्रिएट हो चुका है। तो यस, अच्छा टूल है, कैनवा प्रो का ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप लोग इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास Afforai, ये एक रिसर्च असिस्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ AI यू कैन ईजिली रिसर्च इट। कैसे काम करता है मैं वो बताता हूँ, आप लोग ईजिली समझ जाओगे। ये इसका इंटरफेस है, यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अपलोड ऑल योर रिसर्च डेटा एट वन प्लेस। जैसे यू कैन अपलोड अ फाइल, URL, डॉक्यूमेंट, कुछ भी यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हो। एंड देन यू कैन हैव इट इन साइड अ फोल्डर, जैसे कि ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट है, यहाँ पर मैंने 3-4 मार्केटिंग की बुक्स अपलोड कर दी है। अब मैं इन तीनों चारों बुक्स से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, I will say use with research assistant. उसके बाद I can ask how to create a brand. तो यहाँ पर मैंने क्वेरी डाल दी हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड, देन ये जितने भी मैंने रिसर्च मटेरियल दिया है उन सबको रीड करेगा एंड देन उसके हिसाब से मुझे वो कैसे ब्रांड बनानी है डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज जो मैंने यहाँ पर इसको फीड किए, वो बताएगा मुझे, कोट करेगा कि उसने कहाँ से ये उठाया है कि ठीक है डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी, उसने ये वाली बुक से यहाँ पर उठाया है, ये जो पार्ट है ये कहाँ से उठाया है, ये वाला जो पार्ट है क्रिएट मेमोरेबल ब्रांड एलिमेंट्स ये यहाँ से उठाया है। ये रिसर्च में काफ़ी काम में आ सकता है, रिसर्च कर रहे हो या प्रोजेक्ट्स कर रहे हो फॉर स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेसर्स, दिस इज़ समथिंग यू शुड लुक एट इवन फॉर मी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च करता रहता हूँ, जैसे किसी का रिव्यू कर रहा हूँ अगर मैं भी, या कुछ मैं ब्लॉग आर्टिकल लिख रहा हूँ मुझे उसके ऊपर डीप रिसर्च करनी है, तो मैं उस सारे ब्लॉग के यहाँ पे कॉन्टेंट को डाल सकता हूँ एंड देन आई कैन आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस ताकि मुझे रिसर्च करने में थोड़ा इजी हो जाए मुझे और मेरी टीम को, फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो जो इनका टीयर वन प्लान है आई थिंक ये मैक्सिमम लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा, 20 GB का डॉक्यूमेंट स्टोरेज है, तो फॉर स्टार्टिंग दिस इज़ गुड वन। यहाँ पर आप लोग अपनी की भी डाल सकते हो, अगर आपको GPT-4 वगैरह का यूज़ करना है, क्लॉड का यूज़ करना है, तो यू कैन ऐड योर ओन की हियर। ऑन नंबर 4 वी हैव टास्क मैजिक, ये आपको स्क्रेप करने में हेल्प करेगा, अगर आपको API के थ्रू नहीं करना है, यू हैव टू ऑटोमेट समथिंग, उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। ये रहा इसका इंटरफेस, यहाँ पर यू कैन क्रिएट योर वर्कस्पेस, वर्कस्पेस के अंदर यू कैन हैव योर न्यू ऑटोमेशन कि क्या क्या काम करना है, यू कैन टेल इट कि अभी मैं यहाँ पर Demo 4 के नाम से एक ऑटोमेशन क्रिएट कर देता हूँ। ये रहा यहाँ पर यू कैन हैव एन ऑटोमेशन जहाँ पर यू कैन ऐड योर ओन रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड करके आप उसको बता सकते हो कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, या यू कैन हैव योर ओन स्टेप्स कि ठीक है पहले इस वेब पेज पे जाओ, देन पॉज करो, देन वहाँ पे रिफ्रेश करो, देन डेटा लो। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑटोमेशन बनाया था वो मैं आपको बता देता हूँ, आईफोन कवर्स है, जितने भी आईफोन कवर्स मुझे फर्स्ट पेज पे दिखा रहा है उसका क्या नाम है, क्या प्राइस है और क्या रेटिंग है, उसका मैंने एक ऑटोमेशन बनाया था कि amazon.in पे जाए, वो जाके सर्च करे, सर्च करने के बाद वो वहाँ से लिस्ट को स्क्रैप कर दे और वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा हमारी गूगल शीट के ऊपर। तो आई विल क्लिक प्ले स्टेप्स, तो अभी ये amazon.in पे गया है, ये देख सकते हो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो राइट हैंड साइड पे बता रहा है वो बता रहा है कि अभी कौन सा स्टेप चल रहा है, amazon.in पे गया है। स्टेप 2 में क्या मैंने कहा कि amazon.in पे सर्च करो iPhone 16 Pro कवर्स, उसने वो सर्च कर लिया। उसके बाद वो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं नेम प्राइस और उनका जो रेटिंग्स है उसको मुझे चाहिए था एक्सपोर्ट करके, ये देखो उसने स्टेप 6 यहाँ पर स्टेप 7 ये सारी चीज़ें उसने मुझे एक्सपोर्ट करके दे दी है, एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम ऑटोमेशन, और ये गूगल शीट पे आ चुका है। कौन सी गूगल शीट पे आया है, वो आया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सेंड टू गूगल शीट किया हुआ था, ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे यहाँ पे डेटा आ चुका होगा जो मैंने कनेक्ट किया था, ये शीट 2 पे आया होगा, ये रहा शीट 2 पे डेटा आ चुका है, क्या नेम है, क्या प्राइस है, रेटिंग किसी किसी की नहीं आई है क्योंकि स्पॉन्सर्ड वाले जो होंगे उसकी रेटिंग उसने नहीं उठाई है। तो इस तरीके से यू कैन इजीली क्रिएट ऑटोमेशन, आपको इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह थोड़े से देखने पड़ेंगे आपको अगर आपको ये अच्छे से करना है तो। इसमें जो एक चीज़ अच्छी लगी है वो ईजी है इसको यूज़ करना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लर्निंग कर्व है लेकिन कंपैरेटिवली ईजी है कि आप लोग रिकॉर्ड करके भी अपने स्टेप्स उसको बता सकते हो। और जो इनका ऑटोमेशन बिल्डर है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपको खुद के ऑटोमेशन बनाने हो तो वो काफ़ी ईजी है, राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑटोमेशन आपके लिए बना रहा है वो आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये है पहला, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप amazon.in पे जाओ, सेव एंड गो टू URL, ये चला गया amazon.in पे। इसके बाद मैंने इसको कहा वन प्लस कवर्स 11R, ये सर्च करने को मैंने उसको कहा है, तो इसने यहाँ पे स्टेप 2 ऑटोमेटिकली ले लिया है कि ठीक है ये वाला टाइप करो, फिर स्टेप 3 प्रेस एंटर, ये मेरे 3 स्टेप्स इसने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा ऐड स्टेप पे जाऊँगा मैं, स्क्रेप लिस्ट में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका नाम,
तो मैं यहाँ पे दो बार नाम सिलेक्ट करूँगा ताकि ये देखो कॉलम ए में मेरे नाम आ चुके हैं। इसके बाद आई क्लिक ऐड न्यू कॉलम और फिर मैं बोलूँगा कि इसकी एमआरपी मुझे दे दो, तो इसने यहाँ पे सारी एमआरपी ले ली है। आई क्लिक ऐड न्यू कॉलम, रेटिंग दे दो मुझे, रेटिंग इसने ले ली है यहाँ पर। अगेन यहाँ पे पहले दो की ये नहीं ले रहा है क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है शायद से, तो कुछ फ़र्क होगा दोनों की कोडिंग में, इसलिए पहले दो की ये नहीं उठा रहा है। फिर आई क्लिक ऐड न्यू कॉलम, इसके बाद मुझे आप इस पे क्या चाहिए रहेगा हमें, और रेटिंग ऑफ कितने लोगों ने यहाँ पे रेटिंग दी है, तो ये रेटिंग कितने लोगों ने दी है वो भी आ चुका है, कन्फर्म। एंड ये मेरा यहाँ पर ऑटोमेशन बन गया। अमेज़ॉन पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, आई एम डन। उसके बाद व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू क्रिएट कि मैं इसको गूगल शीट्स पे भेजूँ, वेब हुक पे भेजूँ, आई कैन डिसाइड इट फ्रॉम हियर। यहाँ पर शीट का URL डाल के मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और प्रॉक्सी यू कैन ऐड, जैसे मैंने अभी ये वाला डेटा स्क्रैपिंग का आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पर मुझे प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं प्रॉक्सी नहीं यूज़ करूँगा तो ये अमेज़ॉन मुझे यहाँ पर ब्लॉक कर देगा, तो प्रॉक्सी यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन्होंने दिया भी है कि यू कैन इनेबल अ प्रॉक्सी, यहाँ पर उसका यू कैन एंटर डिटेल्स। कोई भी डेटा स्क्रैपिंग कर रहे हो अगर आज तक करिए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉक्सी तो यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई आपको बैन कर दिया जाएगा। और एक और बात, स्क्रैपिंग करते टाइम यू हैव टू ऐड सम कुकीज़, कुकीज़ ऐड नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको अगेन सस्पिशन के बेसिस पर वो वेबसाइट ब्लॉक कर दे, तो कुकीज़ भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सीख लेना। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए, फॉर $79 यू विल गेट अनलिमिटेड वर्क स्पेसेस, यूज़र सिर्फ एक ही रहेगा, लेकिन फॉर मोस्ट पीपल मेरे हिसाब से टीयर 1 इज़ अ गुड प्लान। सो ये थी मेरी चार फेवरेट डील्स, आगे भी जो डील्स आएंगी उसको मैं कवर करूंगा, लेकिन वो वीडियो के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगी। सारी डील्स यहाँ पर मैं, जो भी अच्छी मेरी फेवरेट डील्स रहेगी वो यहाँ पर मैं आपको लाके दे दूंगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, इफ़ यू आर AppSumo, अगर आप लोग कुछ अच्छी डील्स देख रहे हो ना, तो ये जो मेन डील्स जो इनकी आएगी, जो सबसे अच्छी है, वो आएगी 25th से लेकर के 29th तक। यहाँ पे जो डील्स आने वाली है वो काफ़ी अच्छी है, अभी फिलहाल मैं नहीं बता सकता, बट डू वेट फॉर देम, इट इज़ वर्थ वेटिंग इन माय ओपिनियन। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। ब्लैक फ्राइडे के अभी और वीडियोज आने वाले हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियोज बिफोर इट गेट्स ओवर। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।